सजवान जी हमारे बीच है, मैं विनती करता हूँ आप भी आ जाए थोड़ी आप सजवान साहब बुजुर्ग सबसे जवान आ जाओ पर आ जाओ विजय मोहन राव जी। आप लोगों ने मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान किया है कि मुझे इस पार्टी में शामिल करने का, इस पार्टी में काम करने का। दोस्तों मेरा राजनीतिक जीवन 19 में जुड़ा रहा कि जिस पार्टी को और जिस पार्टी के लोग बात करते थे, काम करने की बात करते थे, अपना लंबा जीवन 30-32 साल का उस पार्टी को मैंने दिया। उत्तराखंड की दुर्गति हो रखी है, इन दो पार्टियों ने ऐसी दुर्गति कर दी कि एक बार पांच साल तुम गाओ, पांच साल हम का जनता जाए बाहर में। इस पर मैं थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करूंगा, लेकिन मैं अपना जीवन का परिचय दे दूं। जिला पंचायत के नाते 4 साल हमने यहाँ पे गुजारे और उसके बाद हम लोगों ने प्रयास किया कि यहाँ जब हम जिला पंचायत के सदस्य आए, जब हमारी अपनी स्थिति ठीक नहीं होगी तो हम जनता के लिए क्या काम करेंगे। इसलिए हमने अपने जिला पंचायत अध्यक्ष माननीय केशव सिंह नेगी जी के पास एक प्रस्ताव रखा कि नई बिल्डिंग का निर्माण। श्री संजय मवारी जी, श्री संजय, ना तो ये मुरझाया फूल है, ना ये रेखाएं हाथ की हैं, अभी तो लगाया झाड़ू दिल्ली में, उत्तराखंड में पोछा लगाना बाकी है। पहाड़ी जी, आपने रक्षा मोर्चा से चुनाव लड़ा था एक बार, और क्षेत्रीय राजनीति के आप जो है पैरोकार रहे हैं पहले से, और संभवतः यही सोच के आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया है आपने। पौड़ी में शुरू से ही कई समस्याएं रही, यहाँ पे मुख्यालय में आप देख ही रहे हैं, यहाँ पे अगर पौड़ी की बात ही करें तो यहाँ पे गढ़वाल मंडल का मुख्यालय है यहाँ पे, और अभी अगर बाजार में ही भ्रमण करोगे आप तो सड़कों की स्थिति, जो यहाँ से ऊपर जाओगे आप एजेंसी चौक में, सड़क की स्थिति बहुत खराब है, नगर पालिका की सड़क है वो। जिला अस्पताल की स्थिति ऐसी रहती है कि डॉक्टर नहीं रहते हैं, और आम आदमी पार्टी का जो विजन है वो बेसिकली शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर है, तो इन मुद्दों को किस तरह से उठाना चाहेंगे आप? इन मुद्दों को संघर्ष करके और पूरे क्षेत्र में, पूरे जिले में जनता के साथ संघर्ष करेंगे, इन मुद्दों को उठाएंगे। सरकार जो सोई हुई सरकार है इसकी नींद को तोड़ेंगे, जो इन डबल इंजन की सरकारों ने जो वादा किए थे जनता के साथ एक भी पूरा नहीं किया और केवल मात्र छलाव किया है। हम आम आदमी पार्टी के सारे कार्यकर्ता बंधु जिन्होंने आज यहाँ पर इस कार्यक्रम में भाग लिया, मैं उनका तहे दिल से स्वागत और आभार व्यक्त करता हूँ। सारे लोग मिलकर के इस सोई हुई सरकार को, इस नीतिगत जो फैसले नहीं ले पा रही है, सुबह कुछ बोलती है, दिन में कुछ बोलती है, रात को कुछ बोलती है, इस सरकार को शुद्ध बुद्धि यज्ञ करके इसकी नींद को तोड़ेंगे और इनको मजबूर करेंगे कि ये जनता का काम करे। आपने वादे किए हैं जनता के साथ। रावत जी, क्योंकि आप लोकसभा प्रभारी हैं पौड़ी लोकसभा के, और जिस तरह से पिछले हफ्ते दिग्मोहन नेगी जी ने ज्वाइन किया था आम आदमी पार्टी को, और आज मनोहर लाल पहाड़ी जी ने ज्वाइन किया है, तो एक तरह से परोक्ष रूप से हम देख रहे हैं कि हर विधानसभा से एक आपका बड़ा चेहरा दिखाई दे रहा है, तो क्या हम ये माने कि कम से कम लोकसभा पौड़ी जो क्षेत्र है, इसकी जो अन्य विधानसभाएं रह गई हैं जैसे यमकेश्वर है, लैंसडाउन है, या चमोली की है, या रुद्रप्रयाग की विधानसभाएं हैं, वहां से भी कुछ बड़े चेहरे, और खासतौर पे श्रीनगर से जो मोहन काला जी हैं जो पहले चुनाव लड़े थे वहां से निर्दलीय, वो शामिल हो सकते हैं, तो इस बारे में आपको क्या कहना है?
देखिए, हमारी पार्टी में बड़ा और छोटा चेहरा नहीं होता है। चेहरा हमारा जो है आदरणीय केजरीवाल जी है, और उनके दिशा निर्देशन में जो उनका संकल्प है, उस संकल्प को हम छोटे बड़े सब कार्यकर्ता मिलकर करेंगे। उनका संकल्प है कि एक बार देवभूमि की जनता अगर हमें आशीर्वाद देती है, आम आदमी पार्टी को आशीर्वाद देती है, तो इसको हम जो है पूरे भारत में देवभूमि मॉडल पर दर्ज करवाना चाहते हैं। इतना हम यहाँ विकास करेंगे।